नमस्कार, आप देख रहे हैं सीट्यूब न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। पीएम मोदी बोले, विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बनाया। कहा, कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा चूक को सपोर्ट कर रही, उनका ये आचरण बेहद खतरनाक। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज, सांसदों के सस्पेंशन पर चर्चा हो सकती है। INDIA की बैठक में भी मुद्दा उठा था। राज्यसभा से दिल्ली बिल पास, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। लोकसभा से आज 49 सांसद सस्पेंड, दोनों सदनों में अब तक 141 सांसद निलंबित। निलंबित सांसदों को चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं। लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी किया, उपराष्ट्रपति की नकल उतारने वाले TMC सांसद पर FIR दर्ज। TMC सांसद ने राहुल गांधी के सामने उपराष्ट्रपति की नकल उतारी। धनखड़ बोले, मेरा अपमान किया। जाट एसोसिएशन बोला, लोकसभा चुनाव में हिसाब लेंगे। ममता ने पीएम कैंडिडेट के लिए खड़के का नाम सुझाया, केजरीवाल का समर्थन, अखिलेश चुप। खड़के बोले, इस पर चुनाव के बाद बात होगी। ज्ञानवापी केस, मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज। मंदिर मरम्मत की चुनौती दी थी, हाईकोर्ट बोला 1991 के केस की सुनवाई 6 महीने में पूरी करें। 5000 अमेरिकी डायमंड से बना राम मंदिर नेकलेस, 2 किलो चांदी भी लगी। सूरत के हीरा व्यापारी राम मंदिर को गिफ्ट करेंगे। केंद्र सरकार का 450वें सिलेंडर देने से इनकार, राजस्थान में BJP ने किया था वादा। केंद्र का जवाब, सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। दक्षिणी तमिलनाडु में एक दिन में साल भर बराबर बारिश, 670 से 932 मिलीमीटर पानी गिरा। CM बोले, 952 साल का रिकॉर्ड टूटा। मोदी नेतन्याहू की फोन पर बातचीत, PM ने कहा, जल्द अमन चाहता है भारत। UN में इसराइल के खिलाफ वोटिंग की थी। इंडियन नेवी ने हाइजेक सीप से वर्कर को छुड़ाया, गंभीर रूप से जख्मी शख्स को ओमान भेजा। 3 दिन पहले हाइजेक हुआ था जहाज। 2024 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने पद के लिए अयोग्य घोषित किया, कहा वो संसद हमले के जिम्मेदार। पूर्वांचल का रण भेदने आज गोरखपुर जाएंगे JP नड्डा, CM योगी भी साथ रहेंगे। दिल्ली फतह का कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे। INDIA अलायंस से मुकाबले की बनेगी रणनीति। श्रीराम के लिए मिथिला का पान पाव और मखाने अयोध्या जाएगा। पटना से महावीर मंदिर पाहुन भेजेगा उपहार। 15 जनवरी से 1 महीने तक चलेगी राम रसोई। देश की राजनीति में नीतीश कुमार की पूछ नहीं। INDIA गुट की बैठक पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया, कहा बटबोलापन बिहार की राजनीतिक सच्चाई। बिहार के 9 शहर दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित। शहरों का तापमान 10 डिग्री के नीचे, 6 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका सबसे ठंडा। Amazon में कंटेंट एडिटर की वैकेंसी, 3 साल एक्सपीरियंस कंटेंट करे अप्लाई। जॉब लोकेशन बेंगलुरु। मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकता है IPL 2024। 22 मार्च से मई अंत तक के विंडो तय, रेहान अहमद ने नाम वापस लिया। एडवांस बुकिंग में शालार ने डंकी को पीछे किया। 2.4 करोड़ रुपए से आगे निकली प्रभास की फिल्म, सिर्फ हिंदी भाषा में रिलीज होगी डंकी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीट्यूब न्यूज़।